तो हम बिल्कुल नहा धो के रेडी हैं। सुबह 5 बजे उठ गए थे हम लोग को, आज निकलना है थोड़ा आगे। सबके साथ ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं हमें नहीं पता है, क्योंकि सब लेके आए हैं अपना आईडी में निर्वाचन कार्ड, जो कि हम लोग लाना भूल गए थे। और यहाँ हम आपको कल ही बताए थे कि यहाँ आधार कार्ड का मतलब कुछ नहीं है, निर्वाचन या ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। और हम लोग के घर पे भी कोई नहीं है, सबके घर कोई ना कोई था, तो उसके ज़रिए वो अपना मंगवा लिया है। हम लोग के घर कोई नहीं था, इस वजह से नहीं आ पाया है। गुड मॉर्निंग। तो अभी फ़िलहाल हम लोग तैयार हैं, खुश रहो बेटा, ये आ गया है और मॉर्निंग का आशीर्वाद लेके और जा रहा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कहाँ चलते हैं। हाय कर सकते हो, गुड मॉर्निंग बोलो व्यूवर्स को। गुड मॉर्निंग। तब चलिए पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलते हैं। हम सुबह से मूड ऑफ था, हम लोगों को लग रहा था हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फाइनली डन, हम सब जाएंगे। थैंक यू भैया, भैया की वजह से सब जा रहे हैं, इसलिए अब खुश होके पराठा वगैरह खा लेते हैं भरपेट, उसके बाद निकलते हैं। तो थैंक यू अंकल। हाँ तो बता दीजिए, ये भैया अभी काफी मेहनत किए थे और क्या? ये भाभी जी हम लोग को गरम गरम पराठा, ब्लॉगिंग चैनल है मेरा, गरम गरम ये पराठा बना रही, खाना बहुत अच्छा, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही है इनके हाथ का खाना खा के। तो खाना भाभी जी आपका बहुत अच्छा है। और यहाँ ये नहीं लग रहा था कि हम लोग बाहर आए हैं, क्योंकि इन लोगों से जो साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वो बिल्कुल घर वाली फीलिंग, होटल वाली फीलिंग नहीं इन लोग दे रहे हैं हमको, बिल्कुल घर वाली फीलिंग दे रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है यहाँ आके। नहीं चल रहे थे कल, नहीं जा रहे थे तो हम बोले थे नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे बस गरबा, नहीं जाएंगे तो गरबा करेंगे, जाएंगे तो भांगड़ा करेंगे। फाइनली जा रहे हैं तो हम भांगड़ा कर सकते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले। आपको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आपको पता हो कि आप नहीं जाने वाले हैं और ये सब आपके फ्रेंड जाने वाले हैं। तो मेरा मुंह ऐसे करके, अच्छा ये पता चला है इनके साथ हम भी जाने वाले हैं, तो चेहरा मेरा खिल गया है। इनका तो खिला ही, आज ये बड़ी सुंदर लग रही है। आज का नाश्ता हम लोग को ये है आलू का पराठा। रोल कर लेना ना, तो हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद बहुत टेस्टी पराठा हम लोग शुरू हो गए। हम लोग भी सब शुरू हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं, अकेले हम लोग भी शुरू हुआ है। अच्छा है, अच्छा छोड़ दीजिएगा, रूम पूरा छोड़ दीजिएगा, तो खा के फिर निकल। फाइनली अब यहाँ से हम लोग तैयार हो गए हैं, अब चल रहे हैं सारे लोग। सीढ़ियाँ बहुत ऊँची ऊँची हैं और देख सकते हैं कितना ऊँचे पे हैं हम लोग, और यहाँ लिफ्ट वगैरह नहीं है, वहाँ पानी वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना है। हम लोग हल्का सा चिप्स रख लिए हैं, लेकिन पता नहीं वो भी ले जाना है या नहीं। वो चढ़ा इतना चढ़ना पड़ा है, इतना क्यों हाफ रहे हो जी? कि हाफ जा रहे हम लोग, यहाँ चढ़ाई बहुत है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? हम लोग आएंगे, तुम इतना क्यों हाफ? हम लोग बल्कि यहाँ के लोग कह रहे थे कि उन लोग को प्लेन पे चलने में दिक्कत हो रही, हम लोग को इसमें इतना नीचे है। लोग बोले कि गाड़ी एकदम यहाँ के लग जाएगी। इनके पता बस एक क्या रोड चाहिए चलने के लिए। यहाँ ये इतनी फास्ट गाड़ियाँ चलती है कि पैदल चलने के लिए फुटपाथ की तरह बना हुआ है, एक ही साइड बना है, दूसरी साइड नहीं बना है। आपको अगर पैदल चलना है तो इसी साइड पे सीधा उल्टा जो भी चलना है इसी साइड से चलना है, क्योंकि काफ़ी ढलान और चढ़ाई पे गाड़ियाँ चढ़ रही है, तो उधर आपको कितनी स्पीड में गाड़ियाँ होती हैं कि आप चाह के भी उधर नहीं चल सकते। और हम लोग इतने नीचे से पैदल चल चल के आए हैं,
हम लोग की गाड़ी अभी आगे है, हम लोग को आगे अभी पैदल ही चलना है, देखते हैं कितनी दूर तक चलना है। यहाँ पानी की ये टंकी पूरे रोड पे आपको दिखेगी और ये हरियाली दिखेगा। कितना सुंदर घर बन लग रहा है, सीना है ये उसके, ऐसे ही ऊपर छत यहाँ बनता है। पानी ज्यादा होता है ना, बर्फबारी तो आराम से बर्फ जमा ना हो, लोड ना पड़े छत। अच्छा, इसलिए वो तिरछा तिरछा। ये हम सब बिछड़ रहे थे, अलग अलग जा रहे थे, लेकिन सब, हाँ ये तो बड़ी भगौड़ी है, लेकिन देखिए ऊपर वाले का कि सब फिर इसी तरह एक साथ आ गए। एंजॉय करने के लिए साथ रहना बहुत जरूरी है। किसी और गाड़ी में बैठते तो हम तो मुंह लटका के बैठते हैं, बाकी भी वही करते सब। हाँ, कल दीदी हम लोग के साथ छूट गई थी तो वो अकेले गाड़ी में। दीदी एंजॉय की? बहुत एंजॉय की, बहुत एंजॉय, सो सो के, सो सो के। नहीं नहीं, बहुत सारी स्टोरीज हम लोगों ने, गाना नहीं बजा लेकिन स्टोरी। आज हम लोग गैंगटॉक से आपका नाथुला पास तक की दूरी तय करेंगे, जो कि आपकी 14,100 फीट ऊंचाई पे है और 53 किलोमीटर इसकी दूरी है। यहाँ आप एंट्री 12 बजे तक ही कर सकते हैं, 12 बजे के बाद आपको आने की अनुमति नहीं होती है और 5 बजे तक आपको किसी भी उसमें वापस लौटना होता है। यहाँ आने के लिए परमिट बनती है, जो कि वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं, आप एजेंसी वगैरह से बात कर लेंगे तो वो परमिट बना देते हैं, बिना परमिट के आप नहीं जा सकते हैं। परमिट बनाने के लिए आपको अपना वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप परमिट बना के जा सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं हैं तो आप वहाँ का परमिट नहीं ले सकते हैं। यहाँ हम लोग उतरे हैं तो यहाँ थोड़ी फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं हम लोग। मस्त व्यू है, शायद कैमरा मेरा इतना अच्छा पिक ना कर पाए, शायद कैमरा इतना अच्छा नहीं ले पा रहा है, लेकिन व्यू तो मतलब इतना, हम लोग ऊपर आए, नहीं चाय नहीं लेंगे, इतने नीचे से हम लोग आए हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, केवल बादल बादल दिख रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग कहीं भी बाहर चलिए, अपना पूरी आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, हर एक चीज़ प्लस कुछ फ़ोटो, कम से कम 5 फ़ोटो ज़रूर रखिए, जो कि हम लोग जो गलती किए वो आप लोग बिल्कुल नहीं कीजिए। और ये जगह तो वाकई स्वर्ग की तरह है और हम लोग बिल्कुल इतनी, मतलब इतनी खुशी मिल रही है यहाँ आके ना, कि सर हम शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे हैं कि कितने खुश हैं इन वादियों में आके। क्लाउड वैली में रुके हुए हैं, जहाँ आप गर्म कपड़े ले सकते हैं, वॉशरूम यूज कर सकते हैं, कुछ खाने पीने के आइटम अगर लेने हैं वो भी ले सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटो क्लिक करा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो हम लोग तो फोटो क्लिक करा चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, आप लोग आइए और इंजॉय कीजिए इन वादियों को। ये जहाँ जाती हैं डॉग को खिलाने में रहती हैं, कुछ नहीं खाने दे रहा, हो गया तुम्हारा, लो अच्छा पूरा एक पैकेट बिस्किट इन दोनों को खिला डाली है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपके मन को मोह लेगा। जो लोग प्राकृतिक प्रेमी हैं, आध्यात्मिक हैं, देश प्रेमी हैं, तो वो इस ट्रिप को ज़रूर प्लान कर सकते हैं। गैंगटॉक से नाथुला के बीच आपको कई फॉल देखने को मिलेंगे, 2 लेक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबा हरभजन सिंह का मंदिर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 12 फीट ऊंचे भगवान शिव की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। अगर आप इंडियन हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ फॉरेनर्स को आने की इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एरिया इंडिया चाइना का बॉर्डर है। तो ये वो फॉल है जिसे मंदाकिनी फॉल कहते हैं, यहाँ आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ का चारों तरफ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा था, तो हम लोग थोड़ी देर रुक के यहाँ थोड़ी वीडियो वगैरह बना के फिर आगे अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे। इस पॉइंट पे हम लोग सब लोग रुक के फोटो वगैरह खिंचाए हैं और यहाँ टोपी, शॉल, स्वेटर, जिसको जो लग रहा है वो सब खरीद रहा है यहाँ पे। ठंडी हवा नहीं दिख रहा एकदम? नहीं, हाँ आंटी,
एकदम बादल, हम लोग लग रहा है हम लोग बादल में चल रहे हैं। तेरा लाली प्यार बन के करने का हाल बन गई, या या पी पी या या गैंगटॉक से नाथुला का रास्ता थोड़ा कठिन है क्योंकि यहाँ चढ़ाई बहुत है, रास्ते घुमावदार हैं और काफ़ी ऊंचाई पे है। तो यहाँ अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, तो आप नहीं जाइए, या डॉक्टर के सलाह पे ही आप जाइए। ये कौन सी झील है? हाँ, कौन सी लेक? छंगू लेक है। इस लेक पे आप याक राइडिंग कर सकते हैं, वहाँ का क्षेत्रीय परिधान पहन के फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो यहाँ ये सारी सुविधाएं आपको इस लेक पे मिल जाएगी। आप देख भी सकते हैं काफ़ी याक है, तो आप यहाँ आराम से सवारी कर सकते हैं अगर आप शौकीन हैं। हम लोग को चूँकि बहुत टाइम भी कम था और हम लोगों को ऐसा कोई शौक़ भी नहीं था। ये दूसरा लेक है, यहाँ पर आप इसकी गहराई, उसकी गहराई 50 फीट थी, इसकी गहराई का नहीं ड्राइवर भैया बता पा रहे थे। यहाँ बोटिंग वगैरह आप कर सकते हैं क्योंकि साइड में बोट वगैरह रखी थी, जिससे हमें पता चला कि यहाँ बोटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। वतन तेरे लिए आहे जा भी देंगे, ए वतन तेरे। ये हम लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं, ये वहाँ भोले भंडारी हैं बैठे हुए हैं, और ये सारा आपको एरिया दिख रहा है, पहाड़ी इलाका ये पूरा है। और ये देखिए मेरा भारत महान, हम लोगों का झंडा लहरा रहा है। लॉर्ड शिव आइडल, यही शिव जी है। अब यहाँ हम लोगों को ठंड लग रही है, तो सब ठंड का पहन लिए हैं। हम लोगों को अब चढ़ के ऊपर जाना है। तो जय माता दी, जय माता दी कहते कहते हम लोग जरूर हम होंगे कामयाब। हरभजन सिंह की जय। हाँ, हर यहाँ हरभजन सिंह है जिनकी आपको चलेंगे वहाँ दिखा देंगे। वो आज भी यहाँ पे पहरा देते हैं और उनको आज भी उनकी सैलरी दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा है कि वो अपने होने का एहसास आज भी यहाँ के लोगों को कराते हैं। और इसी शंकर जी के मंदिर तक चलना है और ये बड़ा दूर है। अब वही सोच के कौन चढ़ सकता। अब हम लोग को धीरे धीरे वहाँ तक चलना है। आए हैं तो चलेंगे तो है, थक जाएंगे चाहे जो होगा चलेंगे तो है, क्योंकि यही देखने हम लोग इतनी दूर आए हैं। तो थकें चाहे जो हो, जय माता दी कहते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे आगे हमको लग रहा है हम ही हैं, बाकी सब पीछे हैं, आ रहे हैं। लाजी कांगमा है ये। नहीं आएंगे पापा लोग, नहीं आएंगे। ये काफी पत्थर है और पानी इसके यहाँ से आ रहा है, तो हम लोग को ये देखते हुए जाना है। ध्यान से बस नीचे नजर और पैर दबा के चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्योंकि आते वक्त लेट हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी आपकी। और बस हम ही चार लोग आए हैं। भागिए भागिए।
ये जाना कैसे है? ए क्या है यहाँ? सीधा 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 नहीं है तो वो लोग कैसे गए हैं? आगे आप देख रहे हैं, जाने का कोई साधन नहीं है, तो क्या हम लोग बाबा का दर्शन कर पाएंगे? क्या बाबा के पास जा पाएंगे? देखने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। गुड बाय।